आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो देयर इज अ बिल्डिंग, तो सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, तो दिस इज बिल्डिंग, कितनी है 7 मीटर्स, तो आपको इसको लिखना है ए एंड बी, तो दिस इज द बिल्डिंग। फिर इसने क्या बोला है, देखो फिर से पढ़ना है इसको, फ्रॉम आर टॉप, दैट मीन्स आप ये को यहां से देख रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं ए पॉइंट से, यू आर हियर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, तो दैट मीन्स आपका एक केबल टावर भी है, ठीक है, ऐसे, तो दिस इज द केबल टावर। तो जब हमने नीचे से ऊपर देखा दैट मीन्स एलिवेशन, तो ये आपका क्या है 60 डिग्री, तो दैट मीन्स यहां पर अगर आप पैरेलल लाइन बनाएंगे, इसका पैरेलल, तो दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो, अब नेम करना है आपको, ए बी हो गया, सी इज दिस, डी इज दिस, और ये वाला पॉइंट इज योर ई नाउ, 60 डिग्री ओवर। फिर देखो क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, दैट मीन्स यहां से जब हमने इसके फुट को देखा केबल टावर के, तो दैट इज 30 डिग्री, तो एंगल इज लाइक दिस, तो दिस इज द एंगल दैट इज 30 डिग्री। तो ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, तो दैट मीन दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स आपको ये फुल पूरा वाला हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखो 7 मीटर्स है, बिल्डिंग इज 7 मीटर, तो 7 मीटर्स अगर आप इधर जाओगे तो ई और डी इज ऑल्सो 7 मीटर, ठीक है। तो रिमेनिंग हाइट हमने ले लिया स्मॉल एच, बट टोटल हाइट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हाइट दैट इज कैपिटल, दैट इज एच प्लस 7 मीटर्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको करना है। तो अब आप पहले क्या लेंगे, फर्स्ट वी विल टेक दिस, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल इज ए बी डी, अपोजिट हमको पता है, वी विल नो द बेस, तो क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 7 बाई BD, ठीक है। अब देखो tan 30 हमारा कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 7 बाई BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वी विल गेट BD इज इक्वल टू 7√3 मीटर्स, तो ये हमारा निकला 7√3 मीटर्स, ठीक है। तो अगर BD 7√3 है तो AE भी 7√3 है, क्योंकि वो पैरेलल है इसके एंड इक्वल है, तो दिस इज ऑल्सो 7√3 मीटर्स। अब आपको ये वाला ट्रायंगल है, क्या है सी ए ई, तो ट्रायंगल सी ए ई,
तो क्या क्या एंगल है देखो, टेन 60 डिग्री। दैट इज इक्वल टू, अपोजिट हमको पता नहीं है, दैट इज एच बाई 7√3। 10 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल टू एच बाई 7√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है, एच इज इक्वल टू 7√3 इंटू √3। दिस इज इक्वल टू 7 × 3 दैट इज इक्वल टू 21 मीटर्स। तो एच इज 21 मीटर। तो बट टोटल हाइट इज वॉट, एच प्लस 7। तो हाइट वी कैन से हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू 21 + 7 दैट इज इक्वल टू 28 मीटर्स। तो टोटल हाइट इज 28 मीटर्स।